नर्मदेहर ये मध्य प्रदेश का मंडलेश्वर है। मंडलेश्वर माँ नर्मदा के बहुत अनुपम तट पर बसा हुआ है। अपनी शिव भक्ति के लिए जाना जाता है, अपनी विद्वता के लिए जाना जाता है, और जाना जाता है 8वीं शताब्दी में आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ के लिए। पार्श्व में दिखाई दे रहा गुप्तेश्वर मंदिर इस बात की गवाही देता है कि इसके ठीक समीप, जहां पर बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आचार्य शंकर और मंडन मिश्र ने अपनी अपनी विद्वता का लोहा मनवाया था। दोनों ने एक दूसरे से शास्त्रीय विमर्श किया था। मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य थे और पूर्व मीमांसा और वेदांत के अद्भुत विद्वान थे, उद्भट विद्वान थे, दिग्विजयी थे। उनकी विद्वता का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, देश देशांतर के पंडित मानते थे। आचार्य शंकर ने उनसे विमर्श करने का, शास्त्रार्थ करने का न्योता स्वीकार किया और यहीं पर वो विमर्श हुआ। जैसा आप जानते हैं और जैसा शास्त्र कहते हैं कि उस विमर्श में, उस शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र पराजित हुए थे, उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ी थी। उनकी पत्नी उदया भारती भी उस समय की परम विदुषी महिला थी। उनसे देखा न गया कि मंडन मिश्र ने आचार्य शंकर के समक्ष पराजय स्वीकार कर ली है। तब उन्होंने कहा कि इनकी अर्धांगिनी होने के नाते, इनका आधा हिस्सा होने के नाते, मैं एक प्रश्न आपसे करती हूं, अगर आप उस प्रश्न का जवाब देंगे, इसके बाद ही मंडन मिश्र की पराजय होगी, अन्यथा नहीं। आचार्य शंकर ने उस प्रश्न का, उस सवाल का, जो उनके लिए बिल्कुल नया होने वाला था और एक तरह से नई साधना की ओर ले जाने वाला था, उस प्रश्न का उन्होंने स्वागत किया। और प्रश्न था गृहस्थ जीवन के बारे में, काम कला के बारे में, काम कला की कलाओं के बारे में। आचार्य शंकर चूंकि बाल ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ जीवन उन्होंने बिताया नहीं था, सन्यास जीवन जी रहे थे, ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर देना उनके लिए मुनासिब नहीं था। उन्होंने पहले तो ये सवाल पैदा किया कि एक सन्यासी से गृहस्थ का प्रश्न क्यों किया जाना चाहिए, लेकिन जब उनकी पत्नी इस बात पर अड़ी रही कि नहीं, आपको इस सवाल का जवाब देना होगा, तब आचार्य शंकर ने जवाब देना उचित समझा और उसके लिए थोड़ा सा वक्त मांगा, 1 माह का समय। कहते हैं ये जो गुप्तेश्वर मंदिर है, इसके नीचे गुफा है, उस गुफा में आचार्य शंकर ने अपना शरीर, भौतिक शरीर रख छोड़ा और शिष्यों को निर्देशित किया कि 1 माह तक इसे पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। कथा आती है कि इसके बाद आचार्य शंकर राजकुमार के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया, जिसकी मृत्यु उसी समय हुई थी, और 1 माह तक राजकुमार के रूप में उन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया और फिर लौटकर यहां पर मंडन मिश्र की पत्नी के सवालों का जवाब दिया, उन प्रश्नों का उत्तर दिया, और फिर इसके बाद मंडन मिश्र ने एक तरह से आचार्य शंकर के, आद्य गुरु शंकराचार्य के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार की और उनके शिष्य बने, उनके सहचर बने, उनके प्रशंसक बने। तो ये मंदिर गवाह है उस शास्त्रार्थ का और आचार्य शंकर के भौतिक शरीर के यहाँ होने का भी, यहाँ पर काया प्रवेश करने का भी, एक काया से, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का भी। तो ऐसे पुण्य स्थल पर बैठने का और आपसे बात करने का सौभाग्य मिला है। यूं तो शास्त्रीय पंडितों के अनुसार
इसमें थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि मंडन मिश्र चूंकि मिथिला के थे इसलिए वो विमर्श मिथिला में हुआ था। आचार्य शंकर जब यहाँ ओंकारेश्वर से पढ़ाई करने के बाद, शास्त्र में पारंगत होने के बाद भारत भ्रमण के लिए निकले थे, तब मिथिला में उनसे शास्त्रार्थ हुआ था। लेकिन बहुतेरे लोगों का, बहुसंख्य लोगों का मानना है कि यही गुप्तेश्वर मंदिर है जिसके समीप उन दोनों में विमर्श हुआ और उनकी पत्नी के सवालों का जवाब देने के लिए उन्होंने परकाया प्रवेश किया। चूंकि हम मैया नर्मदा के भगत हैं, उसकी परिक्रमा में हैं, इसलिए मैया के तट पर जो कुछ भी विमर्श हुआ है, जो कुछ भी शास्त्रार्थ हुआ है, जो कुछ भी पांडित्य की चर्चा हुई है, हमें उस पर विश्वास है और हम उसी को मत्था टेकते हैं, उसी को शीश नवाते हैं। तो ये गुप्तेश्वर मंदिर जिसका दर्शन आप कर रहे हैं, आचार्य शंकर, आदि गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ की गवाही देता है, साक्ष्य देता है और कहता है कि तनिक बैठो और ध्यान लगाकर सुनो, क्या शब्द थे, क्या भाव थे, क्या विमर्श थे और क्या शास्त्र चर्चा थी जो उन दोनों के बीच में हुई थी, और क्या यौगिक साधना थी आचार्य शंकर की कि उन्होंने एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा की थी। ये रामधुन आप तक पहुंच रही है। उम्मीद है इस रामधुन के साथ मेरे शब्द भी पहुंच रहे होंगे और वे भाव भी जो आचार्य शंकर और मंडन मिश्र से लेकर आज तक एक से दूसरे में शास्त्र के रूप में चले आ रहे हैं। नर्मदे हर।